दोस्तों नमस्कार, हम पहुंच गए हैं नागौर के पशु मेले में और आपको दिक्कत है पशु मेला। आपके जयपुर के अंदर कौन सी जगह दुकान है? हवा महल है, बड़ी चौपड़। अच्छा, बड़ी चौपड़ है। अंदर हवा महल के नीचे दुकान नंबर 40 है, सत्यनारायण के नाम से है। अच्छा, चलो भाई देखिए, ये घोड़े का श्रृंगार वगैरह कुछ लेना हो तो जयपुर में आइए आप, और बड़ी चौपड़ में इनकी दुकान है। क्या नाम करके दुकान का? सत्यनारायण अमर सीठ, दुकान नंबर 40। अच्छा, हवा महल बाजार। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, हर चीज मिलेगी इनके पास में, और कभी जयपुर आओ तो इनसे संपर्क करिएगा। ये घोड़े की जीन है, देखिए दोस्तों, ये घोड़े की जीन है और दो चार आइटम और बता चुकी। श्रृंगार का सामान भी अपने पास में, डेकोरेशन एक से एक बढ़िया। घोड़ा घोड़ी का एसेसरी है, कैमल का भी है, कैमल की काठिया है। अच्छा, अपने पास में ऊंट की काठिया है, थड़े है। अच्छा, काफी सामान है। अच्छा, गोरबंद है। अच्छा, काफी सामान है अपनी शॉप पे। चलिए दोस्तों, इनकी शॉप में आपको हर चीज़ मिलेगी, घोड़े मान लो घोड़ों के है, ऊँटों के है, श्रृंगार सब चीज़ मिलेगी यहाँ में। आप कभी भी जयपुर आइए और इनसे संपर्क करिएगा। क्या नाम आपका? हरिकिशन है, शुभ नाम। हरिकिशन जी, हाँ जी, ओके सर। और 80 साल से पुराना पुश्तैनी काम है अपना ये। चलो बढ़िया सर। देखिए दोस्तों, ये है हमारे राजस्थान के नागौर ज़िले के मेले में बैल, और बैलों के मालिकों से थोड़ी बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं। राम राम बाबू जी। राम राम शाह। बेटा बेटा, कौन सा गाँव है बाबू जी? जोधपुर जिलो बावड़ी तहसील। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना दिन होगा बाबू जी आया? थोड़े दिन हुआ, थोड़ा दिन है। अच्छा, सगला बेल आपना ही है? आपना ही लवाराणी। लवाराणी, अच्छा। तो कहीं हम कोई बिके क्या, या कहीं कौन बिके क्या? के बिकना करना के कोई नहीं, बिकता था बैल तो सब बिकता था, बड़ा रेल दे पर बाद गाड़िया भी पूरा कारण को दिया, जो मामला डाउन हो गया। अच्छा, तो अब कितना दिन रुको? हम घाला हाँ गाड़ी में, आज घालो हमें आना ही गाड़िया। तो कहीं रेट कराते है, कहीं हिसाब हो, कहीं बिके कौन क्यों? हम कोई 25 रो है, कोई 30 रो है, कोई 20 रो है, कोई 15 रो है। अच्छा, एक दो ही कौन बिके है? तो जन तो भाड़ा किराया ही है, लाग गया सुना है? लागो जो को लागो। भाड़ा किराया कता लाग गया भाड़ो कहीं? हमें आव तो मन 5,000 भाड़े रे बैठा, हम 5,000 होते 3,000 4,000 भड़ बे थे। अच्छा अच्छा, तो खर्चो खा गया? खर्चो खर्चो कितना? दूसरो के खरीदियो जे की बंद खरीदो को दो की ने हमें से मेला तो कोई। हां सही है। तो देखिए दोस्तों, ये है इनकी राह, क्योंकि 5-7 बैल लेके आए थे लेकिन एक भी नहीं बिका है। ये बैलों का ज़माना था, उस टाइम बिकता था दोस्तों, आजकल कौन लेता है बैल। लेकिन फिर भी देखो, हिम्मत देखो बाबा जी की, 7-7, 8-8 बैल एक साथ में लेके घूम रहे हैं बाबा जी। तो बाबा जी, खेती होती कहीं करता वाला बैलों? खेती करा बोल दूँ। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। और छकड़ी उकड़ी उलिखी है ना? अच्छा, चलो बढ़िया बाबू जी। ट्रैक्टर चली चली कटा मां। अच्छा अच्छा, बाकी हर बोल तो रही है, ढोल बोल रही है। देखिए दोस्तों, मेले में व्यवस्था ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठ नहीं है। मारो ठाकुर मारो मिल कर कोई व्यवस्था नहीं, दूर वाइड आवे हाथ कवड़ा में हाथ में। अच्छा अच्छा, बिल्कुल दादा जी वाले बैठा हो। अब गाड़ी आवे जी दे दे। सरकारों की नहीं मिले सुविधा? नहीं मिले, मन दूर तो बीड़ी नहीं मिले, चाय पानी नहीं मिले। अच्छा अच्छा, तो चलिए दोस्तों, ये है इनकी दुख भरी कहानी, और देखिए जमीन के ऊपर ही खाना बना रहे हैं बैठ करके। देखो यहाँ में पूरा मेला तो उड़ चुका है दोस्तों, लेकिन अभी भी ये बाबा जी 5-7 बैल लेकर के बैठे है। हाँ सही है बाबा जी। देखिए दोस्तों, कैसे बना रहे हैं घोड़ों के ये घूंघरे वगैरह।
राम राम भाई साहब। सामान दिखाएं, थोड़ा दिखा दे, दिखा दो, पार्टी शर्ट बता दो। देखिए दोस्तों, ये काठी सेट है घोड़े का। देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। देखिए श्रृंगार का तो बहुत ही आइटम है दोस्तों, घोड़े और ऊंटों का। ये गद्दा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों श्रृंगार है घोड़ों का। जो ब्याह शादी होती है तब श्रृंगार किया जाता है। कौन सा गांव है भाई जी? अपना पुष्कर है। पुष्कर है क्या? अच्छा, कितने दिन से हो यहाँ? यहाँ तो भाई तो हो गए अपन को 15 दिन। 15 दिन कैसे चल रहा है बिजनेस वगैरह? हल्के ये इस बार तो मेला ऐसे ही था, डाउन था। अच्छा, ये क्या बना रहे हो आप? ये पैरों में बांधने का बना रहे हैं घोड़े का। देखिए साहब, ये घोड़े के पैरों में बांधा जाता है और जब घोड़ा चलता है छमछम जी का। अभी आगे मेले की तैयारी कर रहे हैं, बना के दल लेंगे तो बेच लेंगे। अच्छा, कौन सी जगह जाओगे आप? अभी जाएंगे मुकाम मेले में। अच्छा, मुकाम में। अच्छा, चलिए दोस्तों, ये देखिए आप घोड़ों के ऊँटों के श्रृंगार की दुकान देखी है। देखिए दोस्तों, यहाँ घोड़े के और ऊँटों के श्रृंगार की खाली दुकानें हैं यहाँ में। राम राम साहू जी। हाँ दिखा, चलो दिखा बन गया। राम राम साहब। बाबू जी, राम राम साहब। क्या बना रहे हो? चाय बना रहा हूँ भाई। अच्छा, कौन सा गांव है बाबू जी? जयपुर। जयपुर है क्या? अच्छा, कितने दिन हो गए बाबू जी आपको आए हुए? 13-14। बढ़िया। अच्छा, सही है, टाइम के अनुसार सही। चलो बढ़िया है। हाँ बढ़िया। मेले में तो जानवर तो क्या वैसे कम ही आए। अच्छा सा, जो मेले का रुख था ना। हाँ, वो कम रहा आपके बाद। अच्छा, हर साल की तरह नहीं रहा ना? हाँ, क्योंकि क्या है, ये बीमारी के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में, प्रतिबंध लगाने के बाद में कोई दिक्कत हो गई। अच्छा अच्छा, चलो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं नागौर के मेले में और आपको दिखाते हैं राजस्थान की मिर्ची वह धाना क्या क्या रेट का है दोस्तों। देखिए भाई जी, राम राम। किस गाँव भाई जी? अच्छी भाषी देखिए। अच्छा, कितना दिन होगा मेले भाई? पाँच सात दिन। क्या बिक्री क्या खाई है? बिक्री हाल फिलहाल। अच्छा अच्छा, और आप मिर्चा कहीं कहीं रेट की है और क्या क्या की है सर? और अटे की है या बारे की भी है? कहीं गुजरात की आई, राजस्थान की आई। अच्छा, राजस्थान की, राजस्थान इकाई रेट की है, गुजरात इकाई रेट की। राजस्थान की मिर्ची पड़ी अपने 300 रुपये 450। अच्छा, और गुजरात रेट 250-350। अच्छा, और ये मिर्चा किस जगह की है? गुजरात की। गुजरात की। अच्छा, इकाई रेट क्या है? 250। और अभी गुजरात की। और धानों का रेट क्या है? धानों 160। और राजस्थान और मिर्ची को देन, ये देखिए भाई साहब, मिर्च तो राजस्थान की बहुत ही अच्छी है, एकदम पूरी लाल मिर्च है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। ये क्या रेट की है भाई साहब? 450। ये 450 रुपये की किलो है दोस्तों, किसी भाई को लेनी हो तो आकर के यहाँ संपर्क करें।
सकते हैं कि पूरी मिर्ची मिल जाए यहाँ में। दिल्ली है। अच्छा राम राम साहब। बाबा जी कहाँ है भाव करी मिर्चा? सही है। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिर्ची आई हुई है और ये भाई साहब की दुकान है। ये देखिए दोस्तों तिरपाल और रस्सी की दुकान है। किसी भाई को सस्ती लेनी हो तो यहाँ आकर के संपर्क करें दोस्तों। ये देखिए रस्सी है और ये प्लास्टिक के तिरपाल। ये दोस्तों गाय भैंस के कोई मोरे लेने हो तो। राम राम भाई साहब, कौन सा गांव है? नागौर। अच्छा कितना दिन हो गया दुकान लगाया? दुकान लगाया क्या बिक्री बेटा क्या गाय है? मोड़ा। अच्छा कहाँ कहाँ रेट का है तिरपाल? अमेरिकन का रेट को है? देखिए दोस्तों तिरपाल ही तिरपाल, रस्सियाँ भी बहुत है यहाँ में। कौन सा गांव है? गांव बुटाटी है। बुटाटी। अच्छा घोड़ी ले रहे हो क्या? ली हो कहीं? ले रहे हो। अच्छा कहीं बिकी कोनी? बिकी कोनी, बेचनी कोनी। अच्छा मेरे वास्ते दिखाने वास्ते लिया है लोग। अच्छा नागौर। किस नस्ल की है था घोड़िया? नस्ल तो है देवाल चाल है। अच्छा ये मारवाड़ी। मारवाड़ी है। बढ़िया सा नागौर में मकान है? नागौर में मकान है। टीम तो लगी हुई क्या? कौन लगी? अनमोल की नहीं, अनमोल। अच्छा अनमोल है। अच्छा सेल नहीं है, खाली राइडिंग वास्ते ले रहा। अच्छा राइडिंग वास्ते ले रहे हैं। चलो बढ़िया सा। और गांव तो है थोड़ा दूर है। ये आगे। अरे भावड़ी। तो बाबा जी ये मेला कितना दिन रहता है? मेला 15 दिन। 15 दिन है। अच्छा अब तो पूरा उड़ चुका है मेला ना? बिक्र गया, खत्म है मेला। अच्छा रेल का चक्कर उबड़ रुक गया और ये बिक जाता बोल तो। अच्छा अच्छा
रेल कैंसिल कर दी देना। हाँ अच्छा, तो सरकार है। हाँ हाँ, पहले जो रेल देवा काफी ले काफी ले पर आखिर में जो रेल देवांगा। अच्छा अच्छा, समस्या मेरा की ये होगी। अच्छा अच्छा, तो सब मान लियो सब दुखी हाँ के जता भी ले रहे थे दुखी उंटाला और बड़दा लगड़ा दुखी हो। अच्छा अच्छा, अंदर से भी किलो ले सारो सारो वहां पानी पावा पे दुखी है। हां हां, दुखी में काई घटो है। सही, रोटी हूं पानी हूं चारा हूं समझे। सही है बाबू। गांव खाबड़ेणा है बाबू जी, खाबड़ेणा खाबड़ेणा ओ कते है ओ काणो ताक सारे काणो ताक। हां, आमनो किसु गांव है? मेड़ तो। अच्छा, क्यान बिक्री बेटा क्यान काने बाबू जी? ठीक ठीक रे बेटा। अच्छा, तुमके बोल ना। अच्छा अच्छा, कितना दिन होगा यान? अब दिन तो बड़े रिया पण अब बोल ना रो नहीं। अच्छा चलो बढ़िया है। ये देखिए दोस्तों, मेला पूरा हो चुका है, पूरा सुनसान है दोस्तों। ये देखिए ऊंट कितना सजा हुआ है। हाँ राम बाबू जी, राम राम सा। Thank you.
मारवाड़ी मुलाकात देख जी दिखाने है